हाय एंड वेलकम टू क्रूजो। वैसे इस चैनल पर ये मेरा पहला FTBN होने वाला है। FTBN क्या है, यही सवाल आपके दिमाग में होगा शायद। तो मैं आपको बता दूं, मोटो व्लॉगिंग की कम्युनिटी में FTBN का मतलब है फ्रॉम द बिगनिंग नाइट व्लॉग, यानी कि ऐसा व्लॉग जहां व्लॉगिंग की शुरुआत नाइट में होती है। कई बार व्लॉग्स ऐसे होते हैं जो दिन में शूट किए जाते हैं और फिर बाद में दिन में होते 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 राइडर रात तक ड्राइव करता है, फिर बीच में नाइट के सीन्स आ जाते हैं। तो वैसे नॉर्मल व्लॉग्स होते हैं, बट जब आपका व्लॉग नाइट में शुरू होता है, ऐसे काफ़ी मोटो व्लॉगर्स हैं जो FTBN करते हैं। तो दिस विल बी माय फर्स्ट FTBN जहां व्लॉगिंग की शुरुआत ही नाइट में हो रही है, ये नाइट में ख़त्म भी हो जाएगा। सो आज मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ अटल ब्रिज, अटल फुट ओवर ब्रिज जो अहमदाबाद में रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है बाय श्री नरेंद्र मोदी, द PM ऑफ इंडिया। तो वैसे मैंने कई बार सोचा कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ जा ही नहीं पाया। तो आज मैंने सोचा है कि लेट अस गो टू दिस ब्यूटीफुल फुट ओवर ब्रिज, दैट इज़ द अटल ब्रिज टुनाइट, और आप लोगों को भी वहाँ तक मैं अपनी इस बाइक पर लेके जाऊंगा। तो आप लोग भी देखिए नाइट के समय अहमदाबाद शहर टिल दी अटल ब्रिज। वैसे अटल ब्रिज पर आप दोनों साइड से, मतलब ब्रिज के दोनों साइड से जा सकते हैं शायद, बट आई हैव सीन वन ऑफ द वीडियो जहाँ पर यू नो द वेस्टर्न साइड ऑफ द रिवर वॉज अप्रोच्ड फॉर एंटरिंग इन टू दिस अटल ब्रिज। एंड मैंने वहाँ उस वीडियो में देखा था कि पार्किंग फैसिलिटी है, तो यू नो हाउ मच आई एम कंसर्न अबाउट दी पार्किंग फैसिलिटीज व्हेन इट कम्स टू पार्किंग अ बाइक और अ कार। तो आई हैव डिसाइडेड टू गो ऑन दी अदर साइड ऑफ द ब्रिज, अदर साइड ऑफ द रिवर, और वहाँ से हम अटल ब्रिज पर जाएं। तो वी हैव एंटर्ड अ ब्रिज, और इस ब्रिज का नाम मुझे नहीं पता है, आई एम सॉरी। वाओ, लुक एट द ब्यूटी ऑफ अहमदाबाद। वाओ, मेरे लेफ्ट एंड राइट में जो चमक 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 वाली आप देख रहे हैं, द रिवर फ्रंट, द फेमस रिवर फ्रंट ऑफ गुजरात, द साबरमती रिवर फ्रंट, सुपर, इट लुक्स ब्यूटिफुल, आई मीन नो डाउट इट लुक्स ब्यूटिफुल। एंड कुछ यहाँ पर आई थिंक क्या एग्जीबिशंस भी ऑर्गेनाइज हैं, एंड अभी दिसंबर है, क्रिसमस है, एंड सो देर आर चांसेस कि बहुत सारी चीज़ें हों रिवर फ्रंट पे। सो विल ट्राई टू एक्सप्लोर इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी एंड इफ़ आई रियली हैव अ मूड, बिकॉज व्लॉगिंग टोटली डिपेंड्स ऑन मूड। काफ़ी सेटअप बेटअप करना पड़ता है फॉर रिकॉर्डिंग, एंड उसके बाद ये एडिटिंग वेडिटिंग करना है एंड ऑल, दिस इज़ नॉट एन ईजी थिंग। लोगों को लगता है यूट्यूब पर यू नो कंटेंट क्रिएटर बनना, व्लॉगर बनना आसान है, नहीं, आई मीन मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि कैमरा लगाया, बोलना शुरू कर दिया एंड देन बाकी चीज़ें अपने आप हो गई, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको रियली मेहनत करनी पड़ती है। सो आई यू नो अप्रिशिएट दोस यूट्यूबर्स जो रियली क्वालिटी एडिटिंग करते हैं। सो हम दूसरी साइड में पहुंच चुके हैं एंड नाउ आवर इंटेंशन इज़ टू बी ऑन द रिवर फ्रंट, द वेस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर। मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज सामने से जो लाइट्स आ रही हैं, हेडलाइट्स ना, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है मुझे विजिबिलिटी में, एंड स्पेशली फ्रॉम दिस हेलमेट थोड़ा सा मुश्किल है। एम आई ऑन द रॉन्ग साइड? नो, आई डोंट थिंक सो।
आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट ऑन द रॉन्ग साइड. सो काफ़ी भीड़ भड़क्का है ऑन द रिवर फ्रंट. या सो ये ब्रिज था सरदार ब्रिज, यू कैन रीड अगर कैमरा इस फ्रेम को ले रहा है तो सरदार ब्रिज, दिस वॉज द सरदार ब्रिज एंड वी हैव गोइंग ऑन द अटल ब्रिज. सो काफ़ी भीड़ भाड़ है एंड इट्स नेचुरल बिकॉज इट्स अहमदाबाद, इट्स अ मेट्रो सिटी, रिवर फ्रंट है, यू शुड बी एक्सपेक्टिंग ये ट्रैफिक. और आज मंडे है, इट्स अ वर्क वीक. सो आज मंडे है, आई एम नॉट श्योर आज मंडे है, पता नहीं आज क्या है, बट इट्स अ वर्क वीक. आप सोचोगे कि मुझे ये भी नहीं पता आज मंडे है क्या है, क्योंकि आई रियली डोंट केयर अबाउट द डेज. मेरे लिए संडे, मंडे, सैटरडे, फ्राइडे सब एक समान है व्हेन आई हैव टू वर्क, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम ट्रैवलिंग. तो खास ध्यान नहीं देता हूँ मैं कौन सा दिन है. एज आई टोल्ड यू, ऑल द डेज आर इक्वल फॉर मी. तो समथिंग इज देयर, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ है. सो आई थिंक इट्स ये क्या है ऑन माई राइट साइड, वॉट इट इज, ओके वी हैव वी अराइव्ड एट द अटल ब्रिज. अरे अटल ब्रिज पे आ गए यार, नाउ आई हैव टू पार्क. ओ पूछ ले, ये अटल ब्रिज के लिए यही है क्या? एक्सक्यूज मी, अटल ब्रिज यही है, यहीं से आगर जवान हूं, आइया पार्किंग करो उन्होंने. सो आई हैव टू पार्किंग, आइया पार्किंग, आइया थैंक यू. ओके सो दिस इज द पार्किंग, आगे है ना पार्किंग, दिखा तो रहा है. सो ओके सो वी आर एट द पार्किंग. आर दे गोइंग टू चार्ज मी? आई एम नॉट श्योर कहाँ पार्क करूँ. लेट मी पार्क इन साइड. निकालते वक्त तकलीफ हो सकती है, बट ठीक है, इट्स ओके. सो नो डाउट पार्किंग फैसिलिटी तो अच्छी है, इसमें कोई दो राह नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. सो वी आर एट द अटल. ओके Now what I understand is I should be tying my helmet here. So let's go for it. Just look at the crowd. The crowd of Ahmedabad. This is the crowd near riverfront. Atal Bridge ke paas. Just look at the crowd. Kya crowd hai? I mean seriously? ऐसे चलते चलते मुझे जाना पड़ रहा है ऑन अ पाथवे, बट लकीली वी हैव सच काइंड ऑफ पाथवे, नहीं तो मुश्किल हो जाती. बट देन नाउ आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ऑडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड ऐसे ट्रैफिक में, बट देन इट इज द टेस्ट ऑफ माय रेडमी नोट 10 प्रो माइक्रोफोन. Too much of crowd. आप मेरे आगे और मेरे पीछे दोनों तरफ देख सकते हैं कितना क्राउड है अटल ब्रिज पर. दिस इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल ब्रिज, पहले चढ़ाई है जैसे अभी मैं चढ़ रहा हूँ, एंड देन उस तरफ जाने के बाद देर विल बी उतार.
So it's a beautiful bridge, and I like the this dual video concept of Redmi Note 10 Pro. क्योंकि इसमें आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, मेरे आगे भी देख सकते हैं, and this justifies the whole purpose of vlogging. So यहाँ center में कुछ eateries हैं and यहाँ ice creams मिलती हैं. अभी फिलहाल आइसक्रीम की कोई इच्छा नहीं है, but the facility is there. So here you come on the water. You will be on the river. ये कांच का ग्लास है, तो नीचे नदी है. So it feels like you are on the water. So that is the Atal Bridge of Ahmedabad. काफ़ी अच्छा लगा मुझे, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड, लॉट ऑफ क्राउड, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर. एंड आई मस्ट से यू शुड बी विजिटिंग दिस प्लेस इफ यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस अहमदाबाद इन अ कलरफुल वे और इन अ ब्यूटिफुल वे, एंड यू वॉन्ट टू रियली सी द कलर्स ऑफ अहमदाबाद on the Sabarmati River. Beautiful place. मैं सच में recommend करता हूँ यार, you should be coming here. So this was the Atal Bridge of Ahmedabad. बहुत भीड़ है यहाँ पर, you can see पूरा like actually शादी भी है यहाँ पर, तो काफ़ी उस वजह से भीड़ है. And you can see a beautiful parking facility over here. तो parking काफ़ी अच्छी है, I liked it. And overall it was a good experience being on the Atal Bridge. I must say that if you people are interested, if you are coming to Ahmedabad, please do visit this Atal Bridge. काफी अच्छा है, 30 रुपए टिकट है, but you will enjoy. आपको अच्छा लगेगा. भीड़ होती है, नाइट में आइए, ज्यादा खूबसूरत लगेगा. दिन में भी मैंने नहीं देखा, but नाइट में it looks really beautiful. So I hope you enjoyed this video. And बस अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड एंजॉय.